नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर जिले में इन दिनों गौवंश की लगातार मौत के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि लगभग 20 से 25 गायों की जान प्रतिदिन जा रही है। खबर छतरपुर जिले के नौगांव से है। नौगांव क्षेत्र में काम करने वाले सफाई कर्मियों के मुताबिक प्रतिदिन 20 से 25 गायों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? दंगल वाल्मीकि। क्या करते हो नगर पालिका में? किस पद में? सफाई कर्मी। ये जो गाय मर रही हैं, रोजाना कितने गाय मर रही हैं? 20 से 25 जानवर रोज को मर जाते हैं नगर में ठंड लगने से। गौशाला का क्या हाल है? कानी हाउस जो है नगर पालिका की, वहाँ पर रोज के 2-3 जानवर तो वहाँ भी रोज मरते हैं। तो एक तरफ जहां सफाई कर्मी बता रहे हैं कि रोजाना 20 से 25 गायें मारी जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गायों की मौत के मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गौशालाओं के निर्माण का दावा किया था, लेकिन क्षेत्र में 1 साल गुजरने के बाद भी एक भी न तो गौशाला खोली गई, न ही गायों के संवर्धन और संरक्षण के संबंध में कोई ठोस कदम उठाए गए। यूपीए शासन काल में इस तरह का कभी भी कोई घटनाक्रम सामने नहीं आया है। जब से कमलनाथ सरकार प्रदेश में आई है, तब से गौवंश को लेके ही ये चुनावी वादे किए थे उन्होंने कि हम जगह जगह गौशालाएं खोलेंगे, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं पाया गया, ना देखने को मिल रहा है। सिर्फ उनके मंत्री जो विधायक हुए हैं, वो सिर्फ अवैध बालू उत्खनन और ट्रांसफर नीति को लेके सिर्फ अवैध कमाई के जरिया में लगे हुए हैं। ना कोई गौ की रक्षा कर रहे हैं, ना कहीं कोई ऐसी योजनाएं लागू कर रहे हैं जो गौवंश की रक्षा के लिए कदम आगे बढ़ा सकें ये लोग। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक महाराजपुर क्षेत्र में 5 स्थानों पर गौशाला निर्माण के लिए जमीनों का चिन्हांकन हो चुका है, जल्द ही यहां पर गौशालाओं का निर्माण भी हो जाएगा। मुझे भी जानकारी है कि शहर में गौवंश की जो मौत हो रही है, उसको लेकर मेरे उच्च अधिकारियों से, विधायक जी से संज्ञान में बात हो चुकी है। उसमें निश्चित ही इनमें जो ठंड के कारण मौतें हो रही हैं, उसमें अधिकारियों से बात करके, विधायक जी से बात करके उसमें कारगर कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस सरकार में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला का निर्माण किया जाएगा, गौ संरक्षण किया जाएगा, लेकिन अब वो जमीनी हकीकत से दूर नजर आ रहे हैं वो? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ जिन पंचायतों में जमीनें उपलब्ध हो गई हैं, वहाँ कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं, और जहाँ और सर्वे हो रहा है, जहाँ भी जमीनें मिलेंगी तत्काल उसमें, और हमारे महाराजपुर विधानसभा में तो शीघ्र ही काम 5 जगह काम स्टार्ट हो गए। गढ़रौली, बड़ा गांव, ऐसे 4-5 जगह काम स्टार्ट हो चुके हैं। पेप्टिक टाइम पर इस वक्त के लिए इतना ही। तमाम खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, ताकि खबरें आपके मोबाइल तक पहुंचती रहें। नमस्कार।